फूलों की नगरी उदयपुर में साल भर से पर्यटन में बूम के दौर को जारी रखने के लिए अब नाइट टूरिज्म शुरू होगा। इसके लिए न केवल फूड बाजार खोला जाएगा बल्कि नाइट एक्टिविटीज भी करवाने की योजना बनाई जा रही है। इसमें कन्वेंशनल सेंटर, कल्चरल प्रोग्राम व नाइट में उदयपुर की सुंदरता को दिखाने के लिए पर्यटकीय बस सेवा शुरू करना भी शामिल है। माना जा रहा है कि G20 के मद्देनजर भी ये कार्यवाही तेजी से की जा रही है। पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि इस बारे में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। पर्यटन विभाग की ओर से उन्हें नाइट टूरिज्म की जरूरतों के बारे में बताया गया है। महाराष्ट्र में नाइट टूरिज्म काफी समय से चल रहा है। गुजरात भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई एक्टिविटीज करता रहता है। ऐसे में पर्यटकों को बुलाने के लिए हमें भी कुछ हटकर उनके सुविधा के लिए प्रयास करने होंगे। रात में पर्यटकों को खाना मिल सके इसके लिए नाइट फूड कोर्ट या दो बाजार खोले जाएंगे। रात्रि में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन उतरने वाले पर्यटकों को भी खाना नसीब हो सके इस जरूरत को भी पूरा किया जाएगा। उदयपुर इंटरनेशनल पहचान बना चुका है। आने वाले समय में G20 की बैठक भी होनी है। ऐसे में उनसे जुड़े कई देशों के प्रतिनिधि आएंगे, उनके साथ मीडिया व अन्य लोग भी आएंगे। उनकी माउथ पब्लिसिटी से भी उदयपुर का टूरिज्म बढ़ेगा। वहीं रात में उदयपुर की झीलों का सौंदर्य देखते ही बनता है। सिटी पैलेस की लाइटिंग और उसकी भव्यता और बढ़ जाती है। सुखाड़े सर्कल और अन्य जगहों के लिए भी नाइट बस सेवा शुरू की। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।